बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो, बस। सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स इन रियल टाइम। क्विक एक्सेस टू मैनेज एनरोल्ड स्टूडेंट्स। All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's number one teaching app. Teachmint. Atmanirbhar Bharat ka apna app. Aasan hai. Download now. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पीजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि जो सरकार ने प्रश्न बैंक जारी किए हैं तो उनका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो देखते हैं, हम यहाँ पर यूनिट 2 का फिजिक्स का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिसमें अध्याय 3 और 4 आपके इंक्लूड होंगे। तो अध्याय 3 और 4 जो कि सरल रेखा में गति तथा समतल में गति है, तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 कुछ इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, तो 4 तक का उत्तर हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। इसके आगे का जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ था 5 से लेकर 7 तक, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। सभी उत्तर एकदम परफेक्ट हैं, तो आपको इनको पूरा लगा लेना है और सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा जो आपका 8वां और 9वां क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं उसका आंसर ये होगा, तो आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन था, तो 10वें का आंसर ये होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, तो लघु उत्तरीय का पहले का आंसर ये दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं आप पहला का दिया हुआ है। इसी के आगे का जो नेक्स्ट आपका सेकेंड था लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप उसका आंसर देख लीजिए, ये दिया हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के आगे का तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया हुआ था, तो तीसरे का पहला ये दिया हुआ है, इसी के साथ दूसरा ये दिया हुआ है, तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। इसी के आगे का आपका नेक्स्ट दिया हुआ था, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। पूरा मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी है और स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सेव कर लेना है। और जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं अंत में बताऊंगा इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन वीडियो आप पहले पूरा देख लीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, तो इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसी के आगे नेक्स्ट इसी का आगे का दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसका सॉल्यूशन कराने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, जिसको भी चाहिए, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, तो इसको इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को। इसी के आगे का नेक्स्ट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का आगे का। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर दीर्घ वाले स्टार्ट हो जाते हैं 5 नंबर वाले, तो आप देख सकते हैं 5 नंबर वाला कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब इसी के आगे का आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे। इसी के आगे इसको इस प्रकार से हम करते जाएंगे। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6वें का। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से आपको करना है, कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है और इसी को सॉल्व करना है। देख सकते हैं बच्चों आप कुछ इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको सेव कर लीजिए। गति का द्वितीय नियम दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपको इसको पूरा सॉल्व कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, तो इसको आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सेव करते जाइए। इसी के आगे का नेक्स्ट दिया हुआ है प्रक्षेप गति, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। इसी के आगे नेक्स्ट दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलय आकार होता है, तो इसका कुछ इस प्रकार से व्यंजक सिद्ध करेंगे। इसको पहले हम चित्र बना लेंगे, फिर इसी के आगे का जो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखते जाइएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी के आगे का दिया हुआ है नेक्स्ट, तो आप व्यंजक देख सकते हैं, ये व्यंजक हमने सिद्ध किया हुआ है। इसी के आगे नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर स्थिति में इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसी के आगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपका व्यंजक हो जाएगा लास्ट में सिद्ध। इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी के आगे नेक्स्ट आपका 6वां दिया हुआ था, तो 6वां को कुछ इस प्रकार से हम चित्र बना लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको इसको सेव कर लेना है और पूरा इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। आपके प्री बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड परीक्षा में भी डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देखते जाइएगा। कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है। सभी बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन लेके आइए, तो मैं फाइनली आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो बच्चों, इसको लाने में बहुत मेहनत लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुँच पाए। तो आप देखते जाइएगा, कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न बैंक आने वाला है।
देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैंने स्टेबल तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत स्टेबल तरीके से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा ये दिया हुआ था, तो चौथे को कुछ इस प्रकार से हम हल करेंगे। आप देख सकते हैं चौथा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। आप देखते जाइएगा, इसको सॉल्व कराऊंगा मैं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको सॉल्व कर लीजिए। और जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूँ। वहाँ पे आपको मिस्टेक लग रही है तो उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, देखते जाइएगा आप, कुछ इस प्रकार से पूरा पेपर दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसी के आगे का दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसका ऐसा चित्र बना लेंगे और इसका कुछ इस प्रकार से हम वर्णन करेंगे। आप देख सकते हैं चित्रानुसार कुछ इस प्रकार से हम इसका वर्णन करेंगे। तो आपको देखते जाना है और इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कुछ इस प्रकार से पूरा व्यंजक दिया हुआ था तो इसको हमने सिद्ध कर दिया है नीचे। इसी के आगे नेक्स्ट जो लास्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ हम इस प्रकार से करेंगे, तो आप लोग का इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसी के आगे नेक्स्ट यूनिट का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा।